हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे। कोरोना संकट के बीच आज की सबसे बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से मिल रही है, जहां गैस रिसाव के चलते 8 लोगों की जान चली गई है। अभी भी करीब 80 लोग वेंटिलेटर पर हैं। विशाखापट्टनम के गांव में तड़के 3:30 बजे ये गैस रिसाव हुआ है। गैस का रिसाव प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड में हुआ है। 2 से 3 गांव गैस रिसाव की चपेट में है। 1000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। आरआर वेंकटपुरम गांव में लगी इस फैक्ट्री में गैस रिसाव के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हम आपको बता दें कि लोग बेहोश होने लगे, जो जानवर थे वो बेहोश होने लगे। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अब हम आपको फटाफट मैप के जरिए समझा देते हैं कि ये कैसे फैला, भारत के किस हिस्से में फैला। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक गांव में ये पॉलीमर फैक्ट्री थी। ये देखिए एलजी पॉलीमर लिमिटेड। और हम आपको बता दें कि जो आसपास का 5 किलोमीटर का इलाका है वो प्रभावित है, क्योंकि गैस हवा के साथ फैलती चली गई। जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी जो कृषि का सामान बेचने का, फसल बेचने की जो जगह थी वो थी, उसके चलते वहां पर भी लोग इफेक्टेड हुए हैं। आरआर वेंकटपुरम ये वो गांव जहां पर की ये पॉलीमर फैक्ट्री थी। तो आप ये समझिए कि जैसे ही ये रिसाव रात में 3:30 बजे हुआ, लोग सोए हुए थे। और ये जो पूरा लाल घेरा जो हमने बनाया हुआ है, इसके पूरे आसपास का एरिया इस गैस रिसाव के चलते इफेक्टेड है। लोग सोए हुए थे उस समय, जिस समय ये गैस रिसाव हुआ, जो जहां था वो वहीं रह गया। जो लोग सोए हुए थे, सोने की स्थिति में वो बेहोश हो गए और लगभग 8 लोगों की जान चली गई है। बहुत ही चिंताजनक ये खबर आज सुबह से हमें मिल रही है। और जो एनडीएमए की बैठक आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई है, आनंद फानंद में जो प्रशासन कदम उठा सकता है, मरीजों को चाहे उपचार के लिए अस्पताल में शिफ्ट करना हो, वो सब कुछ किया जा रहा है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। हम आपको फिर बता दें कि एलजी पॉलीमर कंपनी जो गैस प्लांट था उसमें ये गैस का रिसाव हुआ है। पॉलीमर फैक्ट्री थी ये, और वेंकटपुरम गांव में हुआ गैस रिसाव। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा केमिकल एक्सपर्ट हैं। मैं डॉक्टर अमरनाथ पहले आपका रुख करना चाहूंगी, ये स्ट्रीन गैस के रिसाव के चलते हुआ है। पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी भी जुड़ रही हैं, उनसे भी मैं अपडेट लूंगी। ये स्ट्रीन गैस बताई जा रही है, क्या आप हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे कि ये इतनी घातक होती है क्या कि जान जाने जा रही है लोगों की? मैम, जो स्ट्रीन गैस है उसको इथेनिल बेंजीन विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड है। जनरली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 145 डिग्री सेल्सियस होता है और वेपर प्रेशर इसका 5 मिलीमीटर है। जहां तक रिसाव की बात है तो ये तो केमिकल टीम जाएगी, कंफर्म करेगी। ये रिएक्टर से हुआ है कि जो स्टोरेज टैंक था वहां से इसका रिसाव हुआ है। जनरली ये तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में जो है रिसर्चर जो है यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर इसका रिसाव हुआ है। और इसमें क्या है कि जो और गैस भी फैक्टर्स हो सकते हैं कि उस समय ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना रही हो और जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसके इससे जो है इम्पैक्ट लोगों पे हुआ हो। ठीक है, पिंकी राजपुरोहित का मैं रुख कर लेती हूँ, मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। पिंकी राजपुरोहित, इस समय का क्या अपडेट आपके पास मौजूद है? क्या आपको ये जानकारी मिल पाई है कि जो गैस का रिसाव हुआ है ये स्टोरेज टैंक से हुआ है या गैस सप्लाई पाइप के जरिए हुआ है? शोभना, देखिए ये गैस कहाँ से एग्जैक्टली लीकेज हुआ इसकी जो है जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन फिलहाल किया जाएगा कि आखिर कहाँ पर जो है ये चूक हुई जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में जो है ये गैस लीकेज हुआ और ये काफी 3 किलोमीटर के रेडियस तक फैल चुका था। तो ये फिलहाल जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फिलहाल क्योंकि अथॉरिटीज की प्रायोरिटी ये थी कि लोगों को जो है जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनका इलाज हो सके, और यही कारण है कि करीब 1000 से भी ऊपर लोग जो है वो अलग अलग इन्फेक्शन
के परेशान वहां पर पहुंचे थे और उनका इलाज जो है लगातार किया जा रहा है। वहीं 80 लोग ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर पर है और काफी गंभीर अवस्था जो है उनकी बताई जा रही है। साफ तौर पर अब प्रायोरिटी फिलहाल लोगों के इलाज की है, साथ ही SDRF, NDRF और नेवल टीम्स वहां पर जुटी हुई है। नेवी की भी टीम जो है आगे आकर एम्बुलेंस जो है वो SDRF के साथ मिलकर काम कर रही है और लोगों को पूरी तरह से इवैक्यूएट किया जा चुका है। लेकिन अस्पताल में 80 लोगों की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में अथॉरिटीज का ये भी कहना है कि मौत का आंकड़ा भी ऊपर हो सकता है। जी शोभना, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज विशाखापत्तनम में कैसे गैस का लीकेज हो गया, 8 लोगों की जान चली गई, 1000 से ज्यादा लोग इफेक्टेड है, 80 लोग वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा, आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट, मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर अंजलि, आपदा प्रबंधन जो है वहां पर उसकी बैठक भी चल रही है और मदद भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कोई आम आदमी इस तरह की स्थिति में फंस जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? देखिए, दिख रहा है कि यहाँ आसपास के जो गांव है उनकी, वहां की जनता को ये तैयारी नहीं थी और ये होना चाहिए कि सबसे पहला कदम ये है कि अपना बचाव करने के लिए अपने घर के अंदर जो सबसे अंदर का कमरा है उसमें घुस जाएं और दरवाजे खिड़कियां बंद करके उसको इस तरह से सील कर लें ताकि उसके अंदर कम से कम गैस अंदर आ सके। चाहे टेपे लगानी पड़े दरवाजे खिड़की के फ्रेम के आसपास ताकि बिल्कुल गैस अंदर ना आए, ये सबसे पहला बचाव करना है। दूसरा, फिर अपने सांस के रास्ते ना जाए अंदर गैस हमारे, इसके लिए अपने मुंह को और आंखों को गीले कपड़े से ढक लें, जैसे कि ये स्टायरीन गैस एक न्यूरोटॉक्सिक गैस है और ये सबसे पहले इरिटेशन पैदा कर रही है आंखों में और स्किन पर, और अंदर इनहेल करने पर इसके अंदर ये नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट कर रही है। तो ये जानकारी अगर उनको पहले होती, मगर नहीं होने पर भी एक सबसे पहला जो बचाव है, अब अपने अंदर गैस हम सांस के अंदर रास्ते अंदर ना ले लें, गीला कपड़ा आंखों पे और नाक और मुंह पे ढकना जरूरी है। और बच्चे और बूढ़ों को तो पूरे गीले कपड़े से ढक देने से उनका पूरा शरीर बच सकता है। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ी हुई है विशाखापत्तनम में जिस तरह से गैस का रिसाव हुआ है। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जब कोई केमिकल फैक्ट्री होती है तो क्या ऐसे इलाकों में कुछ गाइडलाइंस प्रशासन के द्वारा दी जाती है? देखिए, इसके लिए तो पूरे कानून बने हुए हैं, जो 1948 का फैक्ट्रीज एक्ट बना हुआ है कि जो जो फैक्ट्रीज ऐसी जहाँ पे चीजें बनती हैं कि वहां से रिसाव हो सकता है किसी भी जहरीली पदार्थ का, उसके लिए उसके बाद जब 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ उसके बाद ये अमेंड भी की गई, यानी कि 1987 में फिर ये गाइडलाइंस और ये जो कानून है ये फिर से सख्त किए गए, क्योंकि केमिकल डिजास्टर्स इतना लेवल के केमिकल डिजास्टर पूरे विश्व को झंझोर दिया था। और इस तरह का ही ये जो डिजास्टर हुआ है इसके चलते कई चीजें बहुत जरूरी हैं जो हर फैक्ट्री में को करना है, यानी कि उसको एक सेफ्टी प्लान इन प्लेस होनी चाहिए और क्या लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल है जो कि खतरनाक माना जाए इंसानी जान के देखते हुए। इवन वर्कर्स को इन्वॉल्व करके एक सेफ्टी कमेटी बनाना जरूरी होता है ताकि परेशानी यही है। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा, परेशानी यही है कि कानून भी बना हुआ है, गाइडलाइंस भी हैं, नियम भी हैं, अब प्रशासन उनका पालन करवा नहीं पाता या नागरिक करते नहीं है, लेकिन इस तरह से जानमाल का नुकसान जो है वो बहुत दुखद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।